80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बना देने वाली अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री आज भले ही इंडस्ट्री से दूर हो गई हों, लेकिन आज भी एक्ट्रेस के नाम के चर्चे इंडस्ट्री में खूब मशहूर हैं। साथ ही साथ एक्ट्रेस की एक से बढ़कर एक फिल्मों को लेकर उनकी पॉपुलैरिटी भी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा है। मीनाक्षी आज भले ही इंडस्ट्री से दूर हों, लेकिन उनके चाहने वाले उनकी खोज खबर अक्सर लेते रहते हैं। मीनाक्षी सालों पहले बॉलीवुड ही नहीं बल्कि इंडिया को भी छोड़कर विदेश में जाकर सेटल हो गई थी। मीनाक्षी हीरो, घायल, शहंशाह, दामिनी और घातक जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक दौर था जब वो माधुरी दीक्षित को टक्कर दिया करती थी। अब मीनाक्षी काफ़ी बदल गई हैं और उनका लाइफस्टाइल भी। वल आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित जहाँ अभी तक इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, वहीं मीनाक्षी ने इंडस्ट्री को काफ़ी वक्त पहले ही अलविदा कह दिया है। और आज के इस वीडियो में हम आपसे एक्ट्रेस मीनाक्षी के घर और उनके करियर के बारे में कुछ खास बातें करने वाले हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। झारखंड के सिंदरी में एक तमिल परिवार में जन्मी मीनाक्षी का बॉलीवुड का ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा। उस दौर में एक्ट्रेस का घर बेहद ही छोटा हुआ करता था, लेकिन बेहद सुंदर। उस वक्त में एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के घर में किसी भी तरीके की सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज एक्ट्रेस एक बेहद ही हाई फाई लाइफस्टाइल और साथ ही साथ एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीती हैं और एक बहुत बड़े घर में रहती हैं। वह कम लोगों को ही उनका असली नाम भी पता होगा, तो आपको बता दें कि मीनाक्षी का असली नाम शशिकला शेषाद्री है। मीनाक्षी को फिल्मों में लाने का श्रेय मनोज कुमार को जाता है। मिस इंडिया बनने के बाद जब अखबार में मीनाक्षी की फोटो छपी, तब पहली ही नज़र में मनोज ने उन्हें अपनी फिल्म पेंटर बाबू के लिए चुन लिया। मीनाक्षी ने मात्र 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनके नाम से शशिकला नाम की एक्ट्रेस थी, जिसके बाद उनका नाम बदलकर मीनाक्षी शेषाद्री पड़ गया। मिस इंडिया का टाइटल जीतने के बाद एक्ट्रेस ने पेंटर बाबू फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया, पर मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड में पहचान मिली सुभाष घई की फिल्म हीरो से। फिल्म में उनके अपोजिट थे जैकी श्रॉफ। इसके बाद मीनाक्षी ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग की थाप जमा ली। 1991 और 1994 में उन्हें जुर्म और दामिनी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार बन गईं। मीनाक्षी ने राजेश खन्ना, रजनीकांत के साथ 1985 की फिल्म बेवफाई में काम किया, जिसने काफ़ी अच्छी कमाई की। मीनाक्षी ने अपने करियर में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, सनी देओल और विनोद खन्ना जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया है। साल 1991 में फिल्म जुर्म के लिए और साल 1994 में फिल्म दामिनी के लिए एक्ट्रेस को फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। मीनाक्षी ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में राजकुमार संतोषी के साथ की। 22 जून 1990 को फिल्मी पर्दे पर आई मीनाक्षी की फिल्म घायल। कहा जाता है कि घायल के दौरान फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को एक्ट्रेस से प्यार हो गया था, जिसके चलते उन्होंने कई फिल्मों में मीनाक्षी को ही बतौर हीरोइन साइन कर लिया था। मीनाक्षी को लगातार फिल्में ऑफर होने का राज तब खुला जब संतोषी ने एक दिन अपने प्यार का इजहार मीनाक्षी से कर डाला। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया। घायल के बाद फिल्म दामिनी मीनाक्षी के करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई। दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री आखिरी बार साल 1996 में आई फिल्म घातक में नजर आई। उसके बाद से ना तो उनकी कोई फिल्म आई और ना ही वो किसी बॉलीवुड पार्टी फंक्शन में नजर आई। एक्ट्रेस होने के साथ ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर मीनाक्षी ने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर जैसे बड़े फिल्म स्टार्स उनके हीरो रहे। वह साल 1995 में ही मीनाक्षी ने अमेरिका में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश से शादी कर ली। दोनों एक फिल्मी पार्टी में मिले थे। पहले दोनों में दोस्ती हुई और फिर रिश्ता इस कदर आगे बढ़ा कि उन्होंने शादी कर ली। बता दें कि बॉलीवुड को अलविदा कहने के बाद मीनाक्षी ने हरीश मैसूर नाम के एक बैंकर से शादी कर ली। ये शादी न्यूयॉर्क में रजिस्टर कराई गई। दोनों शादी के बाद पूरे परिवार के साथ टेक्सास में रहते हैं। मीनाक्षी और हरीश के दो बच्चे हैं, एक का नाम केंद्रा और दूसरे का नाम जोश है। मीनाक्षी टेक्सास में डांस स्कूल चलाती हैं और समय समय पर अपनी पूरी टीम के साथ इवेंट्स का हिस्सा बनती रहती हैं। एक्ट्रेस कई बड़े प्रोग्राम्स में भी अपनी टीम के साथ डांस कर चुकी हैं। मीनाक्षी का घर बेहद ही आलीशान है।
घर बिल्कुल फिल्मों में दिखाए जाने वाले घरों की तरह है। इस घर में शानदार इंटीरियर करवाया गया है। घर में ज़्यादा तामझाम की जगह इसका लुक बेहद ही सिंपल रखा गया है, जो कि बेहद खूबसूरत नजर आता है। मीनाक्षी के घर में स्विमिंग पूल भी है। पूल एरिया के आसपास बैठकर मीनाक्षी कई बार शांति भरा समय भी बिताती हुई नजर आती हैं। वह आपको बता दें कि पूल एरिया के आसपास ही बैठने के लिए कई सारे सोफे रखे गए हैं, जिसकी वजह से ये एरिया बेहद खूबसूरत नजर आता है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि मीनाक्षी शेषाद्री ने भले ही अपने करियर की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, लेकिन एक्ट्रेस इंडस्ट्री में जब पॉपुलर हुई तब एक्ट्रेस ने काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ भी जी है, जिसका सबूत आप हमारे इस वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं। वेल आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री का ये लग्जूरियस लाइफ स्टाइल कैसा लगा, और साथ ही एक्ट्रेस के पहले वाले घर में और अब वाले घर में आपको कौन सा घर सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।